तो हाँ दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एक ही यूनिट होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा और ये मिनट। या तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, या मिनट को घंटे में चेंज कर लीजिए, फिर इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिनट में है, तो हमको एक ही यूनिट में चेंज करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं 54 किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना था, 5/18 से गुणा करना था, तभी चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो 18 * 54, 3 × 5 = 5 * 15, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, और ये है 1 मिनट। तो ये क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड, ये है चाल, और ये क्या है समय। तो समय कितना है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 60। अब सूत्र लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको क्या पूछा गया है, दूरी। तो दूरी बराबर समय गुना चाल। समय कितना दिया है, 60, और चाल कितना दिया है, 15। तो 15 की और 60 की गुणा कर दीजिए, तो 900 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। मतलब यही ध्यान रखना है कि आपको एक ही यूनिट में रखना है क्वेश्चन को। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं आज की डेट में। जैसे दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम हल करेंगे किस तरीके से, अब आप देख लीजिए। अनुपात, ये हमें चालों का अनुपात दिया है, तो 6:7। तो अनुपात को खोलने के लिए हमेशा एक्स का यूज करते हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल ये है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल ये है, तो चाल हमें दोनों की पता लग गया। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, दूसरी रेलगाड़ी कौन सी, ये वाली दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 7x। समय कितना है, 4 घंटे, और दूरी कितनी है, 364। तो सूत्र लगा दीजिए। अब सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पूछ रहा है वो, पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है वो। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी है, 7x, दूरी कितनी है, 364, समय कितना है, 4 घंटे। अब ये भी किलोमीटर में है, ये घंटे में, इकाई दोनों की ठीक है, तो इसको काटिए, 4 * 9 = 36 और 4 * 1 = 4, तो 7x = 91/7, ये 13 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो पहली गाड़ी की चाल बताना है, पहली गाड़ी की चाल कितनी है, 6, यानी कि 6x। तो 6x, x की वैल्यू कितनी है, 6 × 13, कितना आ गया, 6 * 18, 6 * 6 और 1 = 4 किलोमीटर प्रति मिनट, यही आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।